हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग A1 होंगे। इससे पहले कि वीडियो को जाना पड़े, वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। सो जनाब, आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूं एक और मज़ेदार और चीप से एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का। अगर आप भी अपने पुराने टीवी या LED को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर विदाउट डिश और केबल उस पे दुनिया के तमाम टीवी चैनल्स को लाइव देखना चाहते हो, तो जनाब आपने इस वीडियो को जो है एंड तक लाजमी देखना है। ये जो टीवी बॉक्स है, इसका नाम है H96 मैक्स प्लस। ये टीवी बॉक्स रिसेंटली 2021 के एंड में ही लॉन्च हुआ था और आप इसे अभी 2022 में भी परचेज कर सकते हो। बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें मिलेगा आपको 4GB रैम और 32GB स्टोरेज मेमोरी। इसके अलावा अगर आप इसकी स्टोरेज को मजीद बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपने जो है इसमें मेमोरी कार्ड या SD कार्ड को जो है इंसर्ट कर देना है। उससे जो है आप इसकी मेमोरी को मजीद बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से 32GB मेमोरी जो है वो काफी होती है। सो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को जो है मेमोरी कार्ड को जो है यूज करने की जरूरत पड़ेगी। मजीद इसकी कनेक्टिविटी की बात करें, तो इसमें आपको मिलेगा 1 DC पोर्ट, 1 Ethernet पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, 1 AV आउटपुट पोर्ट, 1 USB 3.0 पोर्ट, 1 USB 2.0 पोर्ट एंड 1 TFE स्लॉट, यानी कि मेमोरी कार्ड पोर्ट। इसके बॉक्स के अंदर आने वाली डिटेल्स की बात की जाए, तो यहाँ आपको मिलेगा टीवी बॉक्स, रिमोट कंट्रोल, HD केबल, पावर एडाप्टर और उसका यूजर मैनुअल गाइड। और अगर इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए, तो ये 1080 के साथ साथ जो है 4K भी सपोर्ट करता है 60 फ्रेम पर सेकेंड पर। अगर आपका टीवी LED 4K सपोर्ट नहीं करता, तो कोई इशू नहीं, इसमें आप YouTube वीडियोस को जो है 4K तक चला सकते हैं। इसमें वीडियो जो है वो 4K पे प्ले होगी, सो आपके टीवी पे भी जो है वो 4K वाला ही रिजल्ट शो होगा। इसके अलावा अगर आप Netflix यूजर हैं, तो भी जो है आप Netflix को इसमें 4K पर यूज कर सकते हो और आप इसमें जो है 4K का मजा ले सकते हो Netflix के ऊपर भी। इस टीवी बॉक्स का जो डिजाइन है वो काफी खूबसूरत और मजेदार बनाया गया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है। इसको जो है इन्होंने हार्ड प्लास्टिक के साथ बनाया है। सो जनाब, इसको यूज करने के लिए आप लोगों ने जो है इसको HDMI केबल के जरिए अपने LED या TV के साथ कनेक्ट कर लेना है और इसकी ये जो ईथरनेट वाली पोर्ट है, तो इसमें आप लोगों ने अपने इंटरनेट केबल दे देनी है। तो जनाब, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है फिर इसको यूज नहीं कर पाओगे। सो इसके लिए जो है इंटरनेट होना आपके पास मस्ट है। आपने जो है इंटरनेट वाली केबल को ईथरनेट पोर्ट में लगा देना है और उसके बाद जो है आप इस पे कोई भी ऐप यूज कर पाओगे। आप इसमें अपनी मर्जी की कोई भी गेम खेल सकते हो। इसके अलावा आप इसमें जो है व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो, यूट्यूब की कोई भी वीडियोस देख सकते हो, नेटफ्लिक्स या जो भी अपनी मर्जी की जो ऐप है आप उसको इसमें यूज कर सकते हो। इसमें आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको इसमें मजीद ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो प्ले स्टोर के जरिए आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो और गूगल क्रोम के जरिए जो है आप इसमें कोई भी ब्राउजिंग कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो गूगल पे। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए, तो इसकी प्राइस है $53। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, तो मैं इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप लोग जो है इसको परचेज कर सकते हो। सो जनाब, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो आपने इसको लाइक करना है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना है। सो होती है मुलाकात आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।